तुम लोग के पास ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में देखना एक लिंक है जहां पे सारे फाइल्स है एक्सेल के, एक बार देखो। एक व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन जो है वहां पे देर इज अ लिंक टू ऑल द फाइल्स, उसमें CM1B खोलना। उसमें ये जो स्मॉल स्टोर है ना, स्मॉल स्टोर डेटा होगा, देखना। या फिर डू वन थिंग, एक्सेल क्लास 2 का फाइल होगा उसमें, देख रहे हो, मिला सबको। इंश्योरेंस डेटा यूज करेंगे आज हम लोग, मिला इंश्योरेंस डेटा भी होगा उसमें। किसको किसको नहीं मिला? नहीं, CM1B में जाना। अभिषेक, कैन यू शेयर द लिंक इन द चैट बॉक्स वंस एंड इन द ग्रुप ऑल्सो? शेयर इट इन द ग्रुप ऑल्सो। देखो ये वाला लिंक है, ये लिंक है, मिला। इसमें जब स्क्रॉल करोगे तो ये देखो, इंश्योरेंस डेटा CSV फाइल के फॉर्म में है, दिस वन। मिला अब उस लिंक से? इसको डाउनलोड कर लो अपने लैपटॉप में, जस्ट क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स एंड डाउनलोड। एक जन यहां बैठ जाता ना, तुम लोग 5 लोग साथ में बैठे हो, प्रॉब्लम नहीं हो रहा? ठीक है, ठीक है, आया, मिला। डन ऑल ऑफ यू? किसको नहीं मिला, रेज योर हैंड्स। नहीं मिल रहा? वो जो ग्रुप में अभी लिंक आया, देखो चैट बॉक्स तो तुम्हारे पास नहीं। तुम कहाँ नाइट स्टे करने गया था? तुम्हारे पापा ने मेरे को सब बोल दिया। क्या किया नाइट स्टे पे? अच्छा, मेरे को सबका खबर रहता है। कैमरा ऑन करो सब लोग प्लीज। मेरा एक सोशल मीडिया अकाउंट है, तुम लोग को पता भी नहीं, मतलब दूसरे नाम से मैंने बना रखे हैं, मैं सबको फॉलो करती हूँ उससे, तुमको पता ही नहीं चलेगा ना। ठीक है, सबने कर लिया डाउनलोड? ऐसा फाइल दिख रहा होगा, देखो, दिस इज अ CSV फाइल। सो व्हाट वील डू इज व्हाट वील डू इज वील कॉपी द डेटा फ्रॉम हियर, कंट्रोल ए करके पूरे को कॉपी करना है, ठीक है। कंट्रोल सी, क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल एंड उधर जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी तक किसको किसको नहीं मिला ये डेटा सेट? क्यों, इधर आ जाओ ना, वो हेल्प कर देगी तुमको। इसको हेल्प करूँ? मेल है लैपटॉप पे, मेल कर दो खुद को, फोन से मेल कर दो। व्हाट्सएप ऐप खोलने का जरूरत नहीं है, फोन से मेल खोल लो।
को लग रहा है चेंज करना होगा वाईफाई का पासवर्ड। तुम लोग कुछ डाउनलोड ये सब मत करने लग जाना, मूवीज एंड ऑल। तुम लोगों कुछ नहीं, तुम लोगों का कुछ नहीं होगा, मुझे डांट पड़ेगा। ठीक है, किसका किसका नहीं हुआ अभी तक? हो गया, डन, बाकी सब? सो व्हाट, हो गया हमारा? करो सामने फ्रंट रो, प्लीज आ पीछे पीछे पीछे। हो गया, वेरी गुड। अब इसको ना कंट्रोल ए करके सिलेक्ट द एंटायर डेटा, कंट्रोल सी क्रिएट अ न्यू फाइल, कैसे करते हैं, कंट्रोल एन एंड देन वहां कंट्रोल वी कर दो। ठीक है, ठीक मैम माय इंटरनेट वाज बिट स्लो. मैम इट्स इज दैट स्मॉल स्टोर फाइल और इंश्योरेंस डेटा फाइल? थैंक इंश्योरेंस डेटा। यू मैम. ठीक है, डन। नहीं हुआ क्या अभी तक? करो करो फटाफट करो। मैम आई कॉन्ट डाउनलोड द फाइल मैम. यू हैव टू या बट क्लिक ऑन दिस डॉट एंड डाउनलोड। या बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग. आर यू डूइंग इट ऑन योर फोन? नो इट्स ऑन माई पीसी. आई ट्राइड इन फोन बट इट्स नॉट वर्किंग. सो आई स्विच्ड टू माई पीसी. कॉन्ट डाउनलोड फाइल. कैन समवन प्लीज डाउनलोड दिस फाइल एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप? सबके लिए डाउनलोड हो रहा है। I don't know, ma'am, what's the issue, but I tried अगेन twice यू with. यूज दिस लिंक, यूज दिस लिंक विच इज देयर इन द चैट बॉक्स। Okay, ma'am. ठीक Once है, more, I'll try. Okay, ma'am. Thank या you, ma'am. डू इट ऑन योर लैपटॉप, फोन पे नहीं होगा। Okay, ma'am. देखो ग्रुप में भी आ गया, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द ग्रुप। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है, सो टुडे व्हाट वी विल डू इज, लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है? तो हमने क्या क्या सीखा था लास्ट क्लास? सेल रेफरेंसिंग सीखा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे हम लोग सेल को रेफर करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है, ये सब हमने सीखा था लास्ट क्लास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टुडे वी लर्न इफ फंक्शन एंड इफ के कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम लोग सीखेंगे एंड और, ठीक है, ये सारे फंक्शंस सीखेंगे। अलॉन्ग विथ दिस देर आर सम लॉजिकल ऑपरेटर्स, सो दीज आर कॉल्ड एज लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? लॉजिकल क्वेश्चन या लॉजिकल फंक्शन या लॉजिकल ऑपरेटर, आप ये सब जब भी बोलते हो, लॉजिकल का मीनिंग है कि योर आंसर विल आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ अ येस और विल आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ अ नो। ठीक है, तो जब भी आपका आंसर या तो येस या तो नो होता है, हम उसको बोलते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आज हम लोग, इतने लेट से कौन ज्वाइन कर रहा है? हाउ टू स्प्लिट स्क्रीन, स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए ऐसे विंडोज का बटन है ऑन द लेफ्ट ऑफ योर स्पेस बार एंड राइट एरो, ऐसे करके यू कैन स्प्लिट। ठीक है, सो द लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट वी लर्न इज लेस देन साइन, ग्रेटर देन, दिस इज इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये सारे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। क्लियर? देख लो, सो फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न,
फर्स्ट फंक्शन दैट वील राइट इज बेसिकली योर इफ फंक्शन, एंड हम एक क्वेश्चन पूछेंगे. तो पहले डेटा सेट समझते हैं. सो दिस इज अ बेसिक इंश्योरेंस डेटा सेट दैट आई हैड टेकन फ्रॉम इंटरनेट. तो यहाँ पे एज दिया हुआ है, हाउ मेनी डेटा वी हैव काउंट करो, 1338. सो इट्स मोर देन 1300 डेटा सेट, डेटा पॉइंट्स दैट वी हैव विद अस. सो ये एज हो गया हमारा, दिस इज जेंडर, दिस इज बीएमआई ऑफ द पर्सन, दिस इज चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु आर देयर, स्मोकर स्टेटस येस और नो, वेदर द पर्सन इज अ स्मोकर और नॉट अ स्मोकर, एंड द रीजन द पर्सन इज लिविंग इन, एंड वॉट आर द चार्जेस. दीज चार्जेस आर नथिंग बट द प्रीमियम अमाउंट. ठीक है, हमने लास्ट क्लास फिल्टरिंग सीखा था क्या? फिल्टरिंग नहीं सीखा था ना? ठीक है, तो फिल्टरिंग भी हम सीखेंगे. सो फिल्टरिंग इज बेसिकली अगर आपको फिल्टर आउट करना है कुछ डेटा सेट्स, तो कैसे फिल्टर करते हैं? होम टैब में जाओ, यहाँ पे देखना देर इज अ बटन, एडिटिंग ग्रुप में देर इज अ बटन ऑफ सॉर्ट एंड फिल्टर. तो इसमें देखना एक फिल्टर का बटन है. जस्ट मेक श्योर योर कर्सर इज इन द टेबल. ठीक है, सो क्लिक ऑन दिस फिल्टर बटन एंड देखो ये बटन्स आ गए सारे, दिख रहे हैं? सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी पीपल आर नॉन स्मोकर्स. तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करो एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस सिलेक्ट ऑल एंड क्लिक ऑन नो. सो नो से आ जाएगा जितने भी लोग नॉन स्मोकर्स हैं, वो फिल्टर आउट हो जाएगा अपने आप. ठीक है, हो रहा है? डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना कुछ भी बीच में. Today is my first class. I'm not getting, ma'am, what we are doing. Did you not see the last class we shared in the group? Yesterday only I joined. Yesterday probably oh. 9th only I joined. Okay. So I think you will understand. मतलब आप अटेंड करो, यू विल अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं होगा यू विल फील लॉस्ट. किसका किसका एकदम फर्स्ट क्लास है? किसी ने फर्स्ट क्लास नहीं किया है? तुमने ही किया होगा पक्का. फर्स्ट क्लास किया था लास्ट क्लास? किसने नहीं करा है? यू ऑल विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी. अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा लेट मी नो, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक. यू ऑल कैन सी द फर्स्ट क्लास लेटर, बट यू ऑल विल अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं होगा यू नॉट अंडरस्टैंड. जस्ट ट्राई टू see what I am doing at least. ठीक है, and if you all not understand, just let me know. So, एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, when you are studying Excel, या फिर कोई भी paper भी आप लोग करने जाओगे, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि when I am doing something on Excel, तो आप लोगों को पहले वो देखना है एंड देन करना है. थ्योरी में क्या होता है? थ्योरी में हम जो बोलते हैं हम वही लिखते हैं. तो आप लोग अगर नीचे देख के लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो, इट्स फाइन, आप लोगों को समझ आ जाएगा. बट व्हेन आई एम डूइंग समथिंग ओवर हियर एंड आप लोग अपना कुछ कर रहे हो, फिर आप मुझे वापस से उस चीज को 10 बार रिपीट करना पड़ेगा. सो नाउ यू ऑल आर स्टार्टिंग CM1, जिनका भी फर्स्ट पेपर है, यू ऑल शुड रियलाइज दिस दैट अब आप लोग अडल्ट हो. तो आप लोग जब पढ़ोगे तो स्टडी लाइक एन अडल्ट. सी वॉट आई एम डूइंग, आई विल गिव यू 2 मिनट्स एंड देन उस समय करो. बिकॉज आई सी जब मैं कर रही होती हूँ यहाँ पे कुछ, आप लोग अपने लैपटॉप्स में देख रहे होते हो. फिर जब मेरा बोलना बंद हो जाता है तब आप लोग पूछते हो, मैम प्लीज रिपीट इट अगेन. इफ वी स्टडी दिस वे वील फिनिश आर सिलेबस बाय नेक्स्ट सेप्टेम्बर. आप लोग अप्रैल में नहीं दे पाओगे एग्जाम. हाँ, नहीं दे पाओगे. सो वेन आई एम डूइंग, मतलब मैं कुछ कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोग यहाँ ध्यान दो. आई विल गिव यू 2 मिनट्स तब आप लोग कंप्लीट करना. ठीक है, मैं क्योंकि जब पढ़ा रही होती हूँ आई सी दैट मोस्ट ऑफ यू अपने लैपटॉप में कुछ कर रहे हो. अब आप लोग स्कूल में नहीं हो जहां पे आप लोग को स्पून फीडिंग किया जाए. सी आई शो यू अगेन. सो बेसिकली आपका कर्सर कहीं भी टेबल में होना चाहिए, एनीवेयर. योर सेल शुड बी एनीवेयर इन द सिलेक्टेड सेल शुड बी एनीवेयर इन द टेबल. गो टू होम टैब. यहाँ पे देखो सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है. यू विल क्लिक ऑन दिस फिल्टर बटन. तो ये फिल्टर बटन आ जाएंगे. ये जो फिल्टर बटन है ये डेटा टैब में भी है. सो यू वेन यू गो टू द डेटा टैब, यहाँ पे पूरा एक
ग्रुप है, इसको ना हम ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे ये एक सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप है, ये डेटा टूल्स का ग्रुप है, ये फोकस का ग्रुप है। सो सॉर्ट एंड फिल्टर के ग्रुप में देखो, देयर इज अ फिल्टर बटन, सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस फिल्टर बटन, ठीक है। एंड देयर इज अ शॉर्टकट फॉर फिल्टरिंग, द शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक है। तो अगर आपका कर्सर कहीं भी अंदर है टेबल के, यू विल जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल शिफ्ट एल एंड यू विल गेट द फिल्टर बटन्स, ठीक है, क्लियर है। मैम सो नाउ यू विल ट्राई टू नॉट यूज माइक अलॉट, चैट बॉक्स में लिखो। सो इफ आई वॉन्ट कि मुझे देखना है कि कितने लोग नॉन स्मोकर्स हैं, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस नो बटन, ठीक है, एंड आई विल गेट ऑल द नॉन स्मोकर्स। ट्राई करो खुद से। डन ऑल ऑफ यू, अंडरस्टूड? किसी को नहीं समझ में, आई कैन रेज योर हैंड पीछे, सबको क्लियर है? मेरे को ऐसा लग रहा है पीछे वाले कुछ कर ही नहीं रहे। तुम्हारा हो गया, डेटा डाउनलोड हो गया, ठीक है। सो कैन वी मूव टू आर नेक्स्ट फंक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन है। तो ये आप फिल्टर हटा दो। देखो फिल्टर करने से क्या होता है ना, आपके रोज हाइड हो जाते हैं। तो अगर आप स्क्रोल करोगे तो देखना 41 के बाद 44, सो बेसिकली बीच वाले रोज ना हाइड हुए, डिलीट नहीं हुए, हाइड हुए। वील ऑल्सो लर्न सॉर्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास। अगेन फिल्टरिंग इज समथिंग विच वी मे यूज, बट CM1 CM2 में एज सच फिल्टरिंग सॉर्टिंग उतना यूज होता नहीं है। समटाइम्स वी मे यूज बट नॉट अलॉट, ठीक है। सो लेट्स लर्न अबाउट द इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या होता है? सो फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन इज, लेट्स सपोज आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोग हैं जिनका एज इज अबव 30 इन माई डेटा सेट, ठीक है। कितने लोग हैं जिनका एज इज अबव 30 इन माई डेटा सेट? सो माई क्वेश्चन ओवर हियर दैट आई एम आस्किंग इज दैट द एज इज ग्रेटर देन 30। इफ द एज इज ग्रेटर देन 30, ध्यान से सुनना, इफ द एज इज ग्रेटर देन 30 तो मुझे प्रॉपर एक आउटपुट चाहिए दैट ग्रेटर देन 30, या फिर अगर एज लेस देन 30 है तो मुझे एक आउटपुट चाहिए जहां पे हम लिखेंगे लेस देन 30, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसके पहले जो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल आर ग्रेटर देन 30, इफ पीपल आर ग्रेटर देन 30 आउटपुट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 30। इफ इट इज लेस तो हम लोग लिखेंगे एज इज लेस देन 30, जो भी। तो इसको ये करने के पहले लेट्स सी वन थिंग। फंक्शन पहले जब हम लोग लास्ट क्लास हमने सम फंक्शन किया था, याद है? तो आप लोगों को फंक्शन लिखना आता है। जिन्होंने नहीं किया है, हाउ टू रिमूव फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल, सेम थिंग, जैसे आपने फिल्टर ऐड किया वैसे हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे सबसे पहले। द मोमेंट वी गिव अ इक्वल टू साइन, एक्सेल अंडरस्टैंड्स कि हम कुछ फंक्शन लिखने वाले हैं, ठीक है। सो इक्वल टू व्हाट वी विल डू, वी विल सिलेक्ट दिस एज, ठीक है, वी विल सिलेक्ट दिस एज एंड ग्रेटर देन इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 30। तो ये दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, वी हैव जस्ट गिवन अ ऑपरेटर कि इज दिस ग्रेटर देन 30 और नॉट। एंड व्हेन यू जस्ट क्लिक ऑन एंटर तो अपने आप आपको, मैंने क्या बोला था, दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में दो चीज होते हैं, या तो आंसर विल बी ट्रू या तो आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज लेस देन 30, सो वी आर गेटिंग अ फॉल्स, वी आर गेटिंग अ फॉल्स, गेस और नो, ठीक है, वी आर गेटिंग अ फॉल्स। इक्वल टू सिलेक्ट दिस सेल ग्रेटर देन 30, वी आर गेटिंग अ फॉल्स, बट मुझे एक स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए। ऐसे समझ में आ रहा है कि फॉल्स है तो 30 बहुत अंडरस्टूड है, बट मुझे एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए कि आउटपुट ये होना चाहिए।
कि इट्स नॉट ग्रेटर देन 30। तो इन दैट केस हम लोग इफ फंक्शन यूज करते हैं। इफ फंक्शन क्या होता है देखो, सो इफ आई राइट इफ, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, सिंस दिस इज वॉट, दिस इज रिलेटिव रेफरेंसिंग, मतलब हमने A4 सिलेक्ट किया, तो अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो A4 विल बिकम A5, A6, A7 एंड सो ऑन। तो आइदर यू कैन जस्ट डबल क्लिक, डबल क्लिक अभी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मैंने एक रो छोड़ दिया था। यू जस्ट डबल क्लिक लाइक दिस। ये डबल क्लिक कब वर्क करता है? जब आपके लेफ्ट कॉलम में कुछ नंबर्स रहते हैं तभी, या फिर राइट कॉलम में तभी वो डबल क्लिक वर्क करता है। एंड जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो पूरा आउटपुट अपने आप पॉपुलेट हो गया। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करने के लिए कंट्रोल डाउन एरो देखो, ट्राई करो। अंडरस्टूड? राइट में था क्या? ठीक है, वो कुछ हुआ होगा। दैट ओनली हैपेंस, होता नहीं है ऐसे, पर देखना पड़ेगा कुछ। तुमने ऑलरेडी, तुम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करी थी क्या, इसीलिए? इसका शॉर्टकट होता है, मैं अभी नहीं सिखाऊंगी, नहीं तो आप लोग बहुत ओवरवेल्म हो जाओगे अगर नई नई चीजें इतने सीखोगे तो। नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगी कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। चलो सिखा ही देते हैं। देखो ये थोड़ा मतलब हम, मैं आप लोगों को ना बहुत कुछ ऐसा सिखा रही हूँ जो एडवांस लेवल भी है, सो यू मे नॉट डायरेक्टली यूज इन योर पेपर्स, बट दिस इज एक्चुअली समथिंग विच आपको CM2 में भी हेल्प आए, CM1 में तो नहीं आएगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक कॉलम हटाया एंड देन डबल क्लिक किया तो ये नीचे जा रहा था। अभी ये जो डबल क्लिक करेंगे तो देखो नहीं जाएगा नीचे, ठीक है, बिकॉज लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, सो इट विल नॉट गो डाउन। तो ऑब्वियसली अब आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे। अब कितने रोज है हमारे पास, मोर देन 1300 रोज, तो आप ड्रैग फिर भी सोच सकते हो चलो कर लेंगे कितना ही टाइम जाएगा। बट लेट्स सपोज 5000 रोज होता, 10000 रोज होता, तो हम ड्रैग ही करते रह जाते पूरे जिंदगी भर। तो हम क्या करेंगे, हम एकदम लास्ट रो में जाएंगे। कैसे लास्ट रो में जाएंगे, हम यहाँ से ऐसे लास्ट रो में जा सकते हैं कंट्रोल डाउन करके। फिर से लीजा तुम करने लग गई, देखो यहाँ पे कंट्रोल डाउन करके, बच्चे हो गए तुम, भूल जाओगे एक एक स्टेप, नीचे जाओगे एकदम। ये मैंने राइट करा तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा कर्सर देखो उसी कॉलम में है, ठीक है, उसी कॉलम में। अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप, मतलब बेसिकली वी आर सिलेक्टिंग द इंटायर कॉलम, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट अप करके मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक ऑन कंट्रोल डी। कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट फॉर ऑटोफिल, कंट्रोल प्लस डी इज द शॉर्टकट फॉर ऑटोफिल। जो हम ये डबल क्लिक करते हैं दैट्स नथिंग बट ऑटोफिल। तो ये अपने आप हो गया, अगर नहीं होगा मुझे बोलना, आई शो इट टू यू अगेन। पहले एकदम नीचे जाना है, उसी कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे, एंड देन कंट्रोल डी। तो उससे क्या होता है ना, जो भी आपका फर्स्ट रो में था वो पूरा सेम फंक्शन सब जगह कॉपी हो जाता है। देखो सेम फंक्शन सब जगह कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट फॉर ऑटोफिल। क्लियर है पीछे सबको? आई
आई विल कम एंड चेक पीछे की क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे को देख के लग नहीं रहा कि तुम लोग कुछ कर रहे हो। तुम लोग का थर्ड पार्टनर का है? हाँ, क्यों, क्या नाम है? आर्यन, फुल नेम? फुल नेम आर्यन अजमेरा, रेज योर हैंड। नहीं, ऑनलाइन भी लगता है सो गए। नहीं, ऑनलाइन भी नहीं अटेंड कर रहे, सो रहा होगा, संडे है ना, थक गया होगा पूरे वीक काम करने के बाद। चलो, डन डन, सब में फॉल्स आ रहे हैं तुम लोग का, सबका। तुमने क्या फॉल्स को ही ड्रैग कर दिया है? अच्छा, एक बार ना इस फॉर्मूलाज में जाओ, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन पे क्लिक करके देखो तो ये ऑटोमेटिक है कि नहीं। ऑटोमेटिक है, आई विल कम एंड चेक। देखो ये हो गया, अब हम लोग इफ फंक्शन से ट्राई करते हैं। एक बार हम लोग इफ फंक्शन से ट्राई करते हैं, प्लीज यहाँ देखना। तो इफ फंक्शन से कैसे करेंगे, एज ग्रेटर देन 30, आई विल नॉट रिपीट दिस। इफ फंक्शन का नेम इज इफ, तो इक्वल टू देखिए इफ लिखेंगे। क्या हुआ अंजलि, नहीं हुआ क्या तुम्हारा कंट्रोल डी? यू हैव टू, देखो मैं फिर से दिखाती हूँ, इसको हटाओ। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है, प्लीज देख लो, जस्ट एकदम लास्ट रो में जाओ। अब ऑब्वियसली अगर मैं कंट्रोल डाउन करूंगी तो मैं एकदम ही नीचे पहुंच जाऊंगी। सो आई विल जस्ट गो टू दिस, आई विल जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर कॉलम। इस कॉलम के कंट्रोल डाउन करके एकदम नीचे जाएंगे, फिर राइट बटन प्रेस करके हम इस कॉलम में आएंगे। कंट्रोल शिफ्ट अप करके वील सिलेक्ट द इंटायर कॉलम। कंट्रोल डी प्रेस करके यू आर पूरा अपने आप ऑटोफिल हो जाएगा, सो यू डोंट हैव टू डबल क्लिक। ठीक है, नाउ एज देखो, इफ फंक्शन लिखेंगे, ओपन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट हमारा आर्ग्यूमेंट इज द लॉजिकल टेस्ट। तो क्या लॉजिकल टेस्ट हमें देना है? द लॉजिकल टेस्ट इज द एज शुड बी ग्रेटर देन 30। सो यू हैव टू गिव एनी टेस्ट, एनी लॉजिकल टेस्ट जिसका आउटपुट या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। बीच में कुछ नहीं होता, ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, कोई भी एक टेस्ट कुछ भी देना है। ठीक है, कॉमा, देन वी गिव द वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर ये वाला जो लॉजिकल टेस्ट है, इफ दिस इज ट्रू तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए, अगर ये फॉल्स है तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो पहले तो ट्रू, तो मुझे लेट्स सपोज, लेट्स राइट एज इज ग्रेटर देन 30, कोट्स में लिखना है। वाई आर वी राइटिंग इट इन कोट्स? वाई आर वी राइटिंग इट इन कोट्स? बिकॉज इज अ टेक्स्ट। तो जब भी एक टेक्स्ट को हमें आउटपुट में प्रेजेंट करना होता है, वी यूजुअली राइट इट इन अ कोट्स फॉर्मेट। ठीक है, तो एज इज ग्रेटर देन 30 इज माई वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर ये ट्रू होगा तो ये आउटपुट आएगा। ठीक है, वापस से कॉमा दो, वैल्यू इफ फॉल्स। तो अगर ये आउटपुट फॉल्स है तो हमें क्या वैल्यू चाहिए? तो हमें वैल्यू चाहिए एज इज लेस देन 30। ठीक है, क्लियर? सो इफ दिस इज फॉल्स, दिस इज द आउटपुट दैट वील गेट, एज इज लेस देन 30। देख लो, एंड अगेन वी कैन ड्रैग, जहां जहां ग्रेटर है वहां वहां ग्रेटर आएगा, जहां जहां लेस है वहां वहां लेस आएगा। देख लो, करो इससे, एंड कोई डाउट हो तो पूछना।
इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया। हाँ, वापस से कंट्रोल सेट करो, कंट्रोल सेट। अब उसको खाली सिलेक्ट करो, इसको ड्रैग कर, खाली उस सेल को सिलेक्ट करो। कॉल्स दिखा रहा है, क्या दिख रहा है फंक्शन? मैंने पे फोर फोर ये क्यों नहीं दिया? ये रुक रहे हैं, ये चेंज हो सकता है, ये कॉल बता रहे हैं। आगे सुनो, कॉल उसका आया है क्या? आया है कॉल ठीक है। कर रहे हैं कॉल कितना स्लो? अब देखो ये शुरुआत है, अगर इसमें हम स्लो करोगे तो आगे कैसे करोगे? एंड जीएमआर एक्सेल इज वेरी डिफिकल्ट, पेपर भी टाइम भी खत्म ही नहीं होता रहा। आ जाओ, आ गयो, एक जन इधर, एक जन सब चीज का सही है, बट फिर इतने सारे लोग हैं ना जिनमें इसलिए बोल रहे हैं। फिर भी अगर लगे तो फिर आज तीन लोग हैं। डर है सबका, डर ऑर्डर आ गए, टेबल पे टेस्ट स्पेशल करने के पास का तो कर दिया। और इसी द टीम आई का वाइट भी था, फिर भी तो डाल दी टेस्ट स्पेशल में क्या किया था वो भी टाइम से वैल्यूज एंड परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं करते वैल्यूज को ऑप्शन था जेक्स का और फॉर्मेट के फिर से देखो। अच्छा हाँ, नहीं तुमने सीएसवी फाइल से भी वेस्ट किया होगा ना? अच्छा तुमने डायरेक्टली जीमेल पे खोला होगा, गूगल पे खोला होगा, फिर वहां से पेस्ट किया जिसमें डाउनलोड हो रहा है। ओ दैट्स दिस इज हमारा। तुमने क्या किया है इसमें? तुमने एक फंक्शन यूज किया है? तो जो वैल्यू दोनों में फॉल्स आ जाएगा, मतलब ट्रू होगा तो भी फॉल्स आएगा और फॉल्स होगा तो भी फॉल्स आ जाएगा। अंडरस्टूड? बताओ क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ये हो गया। अच्छा एक चीज कर लेते हैं, इसको अपने इस पूरे एरिया को मुझे फ्रीज करना है ताकि मैं अगर राइट राइट स्क्रॉल करूं तो ये चार्जेस तक फिक्स रहे। तो क्या करना पड़ेगा हमें? फ्रीज पिन कैसे करते हैं? फ्रीज पिन हमें जी तक फ्रीज करना है। सो यू सिलेक्ट द एच कॉलम लाइक दिस, यू सिलेक्ट द एच कॉलम लाइक दिस। कहाँ जाएंगे? व्यू में जाएंगे, फ्रीज पिन्स एंड फ्रीज पेन, एंड दिस इज हाउ फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अगेन आई रिपीट, सिलेक्ट द एच कॉलम,
फ्रीज पेन में जाके फ्रीज पेन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वेदर द एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कॉमा एंड इफ इट्स अ फीमेल एंड फीमेल, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। सो माय क्वेश्चन, हाँ यू कैन डू दैट मुस्कान, मतलब इन फंक्शन यू कैन नॉट चेंज, यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस एंटायर थिंग एंड चेंज द कलर, मतलब आई डू नॉट गेट योर क्वेश्चन। यू वॉन्ट की एज लेस देन 30 का कलर अलग हो एंड ग्रेटर देन 30 का कलर अलग हो, दैट्स वॉट यू वॉन्ट, दैट कैन नॉट बी डन यूजिंग अ फंक्शन, उसके लिए VBA यूज करना होगा या फिर फिल्टरिंग यूज करना होगा या फिर आर प्रोग्रामिंग। एक्सेल में यूजिंग अ फंक्शन वी कैन नॉट डू, जितना मुझे पता है, बट आई विल सर्च फॉर इट, बट आई डोंट थिंक फंक्शन यूज करके हो सकता है एक्सेल में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे हम। सो बेसिकली हम ये देखेंगे दैट इफ, दो चीजें हमें चेक करनी है, एक तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 होना चाहिए एंड दूसरा फीमेल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो वील टेक एन आउटपुट एज ट्रू और वील टेक एन आउटपुट एज फॉल्स, ठीक है। अब सिंस वी हैव टू कंडीशंस या टू लॉजिकल टेस्ट दैट वी हैव टू डू, तो हम क्या करेंगे, अगेन वील राइट अ इफ फंक्शन ओनली, बट इफ फंक्शन के अंदर ये जो लॉजिकल टेस्ट है ना, ये लॉजिकल टेस्ट हमारा इफ मतलब सिंपल नहीं होगा, हम इसमें एंड फंक्शन लिखेंगे। एंड फंक्शन से क्या होता है, देखो आई जस्ट रिमूव दिस, पहले मैं खाली एंड दिखाती हूँ। एंड फंक्शन से क्या होता है, देखो एंड के अंदर क्या आ रहा है, लॉजिकल वन लॉजिकल टू डॉट डॉट डॉट, मतलब आप बहुत सारे लॉजिकल टेस्ट इसमें डाल सकते हो। एंड इसमें क्या होता है, अगर सारे लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अगर एक भी लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। सो अगर सब ट्रू होंगे तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, एक भी अगर फॉल्स है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ हमें क्यू एंड यूज करना, बिकॉज वी वॉन्ट ऑल द टेस्ट टू बी ट्रू, वी वॉन्ट द एज शुड बी ग्रेटर देन 35 एंड ऑल्सो इट शुड बी अ फीमेल, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो एज पे सिलेक्ट करा, ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ये है हमारा पहला। आप लोग फंक्शन बार भी देख सकते हो अगर आप लोग को फंक्शन देखना है। नेक्स्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे, दिस हैज टू बी अ फीमेल, तो इसके लिए वील सिलेक्ट दिस सेल इक्वल टू, एंड सिंस फीमेल इज अ मतलब वर्ड इज अ टेक्स्ट और अ स्ट्रिंग, तो हम उसे कोट्स में लिखेंगे फीमेल। अंडरस्टूड, दिस इज इक्वल टू फीमेल एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन एंटर ऑब्वियसली इधर फॉल्स आ रहे हैं। व्हेन आई ड्रैग दिस, तो देखो यहाँ ट्रू आ रहा है, देख रहे हो 46 एंड फीमेल। अंडरस्टूड कैसे करते हैं एंड फंक्शन यूज। अब इसी में हम इफ फंक्शन लगा देंगे, क्योंकि हमें अगर एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए है ना, यहाँ ट्रू फॉल्स एनीवेज मिल रहा है, बट इफ फंक्शन कब यूज करेंगे, जब हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये यहां तक कर लो, चलो पहले
कितने लोगों ने मूवी देख लिया अभी जो आया था जवान? बस तुम लोग कोई नहीं देखा? जैसे तुम बहुत ही पढ़ रहे है, नाइट से गया था। हाँ रेस करो ना हाँ, मेरे को जैसे देखना है। मैं मतलब मैं एक डेटा कलेक्ट करी हूँ कितने लोगों ने देखा है। बस अच्छा ठीक है, तो जाने आज जो जाने वाले वो भी हैंड रेस कर सकते हो, कल जो जाने वाले वो भी हैंड रेस कर सकते हो। तुम लोग नहीं देखा क्यों? शाहरुख खान फैन नहीं है तुम लोग? हॉलीवुड टॉम क्रूज। ऑनलाइन भी कितने कम लोगों ने किए, तो टिकट्स इतने बुक कैसे हो रहे हैं? कल हाफ एन आवर में सारा बुक हो गया टिकट, मैं बुक करने वाली थी सारे टिकट्स बुक हो गए। मतलब तुम लोग कुछ उतना कोई पढ़ता नहीं है ठीक है, तो एग्जाम खत्म हुए भी बहुत टाइम, 1 वीक हो गया है। डन सबका ये हो गया। हम निशिका नोट इज नॉट केस सेंसिटिव इन एक्सेल, इट्स नॉट केस सेंसिटिव नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं। अरे इन लोग ना बहुत अपडेट। या इट्स नॉट केस सेंसिटिव, आर प्रोग्रामिंग इज केस सेंसिटिव ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। अब इसी में हम इफ फंक्शन कैसे डालेंगे देखो। सो आई विल जस्ट राइट अ इफ ओवर हियर। ये हमारा जो है ये पूरा लॉजिकल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका एंड का आउटपुट भी हमारा ट्रू या फॉल्स आ रहा है। सो दिस बिकम्स अ लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू। इफ ट्रू में हम लोग क्या लिखेंगे? लिख दो एज, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, या तो ऐसे नहीं यस नो लिख देते हैं, चलो इतना बड़ा नहीं, यस एंड नो ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया जिसका आउटपुट यस और ट्रू फॉल्स आ रहे। इफ इट इज ट्रू, नहीं आर प्रोग्रामिंग नहीं है। एंड मतलब एम्परसेंट होता है एक्सेल में, और हम एम्परसेंट यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए, वो हम लोग सीखेंगे बाद में। एंड दिस इज योर येस एंड दिस इज योर नो। सो बेसिकली येस आउटपुट आएगा अगर ट्रू है, नो आउटपुट आएगा अगर ये फॉल्स है ठीक है। दिस इज नॉट अ कोडिंग प्लेटफॉर्म, एक्सेल इज नॉट अ कोडिंग प्लेटफॉर्म, तो तुम वो नहीं यूज कर सकते यहाँ पे। यहाँ पे तुमको फंक्शंस यूज करने होंगे ठीक है। एंड व्हेन यू ड्रैग डाउन, व्हेन यू ड्रैग डाउन तो आपका नो आ रहा है, जहां जहां 35 अबव है एंड फीमेल है वहां वहां आपको यस मिलेगा। देख लो यस, आर यू गेटिंग द आंसर? जस्ट क्विकली यस लिख दो चैट बॉक्स में। एंड इफ यू ऑल आर फेसिंग एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, बिकॉज ऑनेस्टली मेरे लिए आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आप लोगों को डाउट होता है कि नहीं। यू ऑल हैव टू टेल मी। नहीं है, कैपिटल्स में भी लिखेगा तो आ जाएगा आंसर। केस सेंसिटिव नहीं है, स्पेस ये सब कंसिडर होता है, स्पेस सेंसिटिव होता है बट केस सेंसिटिव नहीं है। मैम इट वॉज हाँ बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट, सो टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइंड एंड वो सेंटर पे था क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लॉजिकल ऑपरेटर था, तो लॉजिकल आउटपुट था ट्रू या फॉल्स, तो वो आपका टेक्स्ट नहीं कंसिडर होता है। नहीं नहीं मैटर करता है, अपर केस लोअर केस नहीं मैटर करता है। इफ इट हाँ एंड में हो सकता है, नेस्टेड इफ करेंगे।
या इसी क्वेश्चन पे कर लेते हैं इंस्टेड इफ। बताओ क्लियर है कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो। नेक्स्ट हम लोग ना एक नया चीज सीखते हैं, नेस्टेड इफ। सो बेसिकली नेस्टेड इफ कुछ नया चीज नहीं है, इफ फंक्शन के अंदर एक और इफ फंक्शन। सो मल्टीपल इफ फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टार्टिंग, चलो इफ लिखते हैं एंड देखते हैं कि टेस्ट देते हैं दैट दिस एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है, ये दिया, अगर ये ट्रू है कॉमा, अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट क्या परफॉर्म करना है। अगर ये ट्रू है तो हम दोबारा देखेंगे कि वेदर दिस जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है, अंडरस्टूड। अब क्या कर रहे हैं समझो, यहां पे देखना, पहले हमने टेस्ट दिया, पहले हमने टेस्ट दिया कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू तो हम ये वाला लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब ये वाला देखना एक्सेल स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे अगेन इंस्टेड ऑफ गिविंग अ वैल्यू वी आर अगेन गिविंग अ फंक्शन। कैन वी डू दैट? यस फॉर श्योर। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक फंक्शन दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू लिखा है ना, इंस्टेड ऑफ अ वैल्यू वी कैन गिव एनी फंक्शन यू कैन पुट। ठीक है, सो आई एम राइटिंग दैट इफ बी फोर इज इक्वल टू फीमेल, अगेन आई एम राइटिंग अ इफ स्टेटमेंट। तो अब ये हम यहाँ पे जो खड़े हैं वो हम इस वाले इफ फंक्शन के अंदर खड़े हैं, इनर इफ फंक्शन के अंदर। तो अगर ये भी ट्रू हुआ तो हम लोग लिख देंगे वापस यहाँ पे यस या फिर नो एंड आई विल क्लोज द ब्रैकेट। अब ये क्या हुआ, ये जो पूरा चीज है ये पूरा मेरा वैल्यू इफ ट्रू हो गया। ठीक है, अब मैं देखिए कॉमा आई विल राइट नो। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग द सेम थिंग व्हिच आई डिड यूजिंग एंड, just that I am now using nested if. क्या कर रहे हैं हम, if age is greater than equal to 35 I will check this true value. This true value is what, that if greater than 35 तो हो गया, whether it's female or not. अगर female है तो output क्या आएगा, yes या no, खत्म। अगर हम यहाँ है and let's say suppose age is not greater than 35 तो हम सीधा कहाँ चले जाएंगे, no पे, and you'll get a no. अगर ये ट्रू होगा तो हम ये पूरा चेक करेंगे। अगेन हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे भी एक इफ फंक्शन लिख सकते थे, हम यहाँ पे भी एक इफ फंक्शन लिख सकते थे। सो दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ, इफ के अंदर इफ, उसके अंदर इफ, उसके अंदर इफ, वैसे करके। क्लियर हुआ? हाँ सेम आएगा, देखो सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा सब जगह पे। किसी को नहीं क्लियर है तो पूछो। मुस्कान, वी कैन से दैट बट कि नेस्टेड इफ एंड एंड सेम है, बट बहुत बारी हमें नेस्टेड इफ यूज करना होता है, मतलब नेस्टेड इफ ब्रॉडर है, मतलब आप उसमें अलग अलग चीजें कर सकते हो। एंड में क्या, आपके सारे चीजें ट्रू होने पड़ेंगे, बट नेस्टेड इफ मैं एक और एग्जाम्पल ले लूंगी इफ वी गेट द टाइम, बट इट्स नॉट सेम, इट्स सिमिलर काइंड ऑफ। डन, डन। नेक्स्ट देखो, ये हमने एंड सीखा यहां पे, ठीक है, इफ एंड, ये दोनों क्या। अब हम करेंगे इफ और। सो लेट्स सपोज मेरा क्वेश्चन है कि मेल है या फिर स्मोकर है। सो बेसिकली माय क्वेश्चन इज मेल और स्मोकर, एनी वन। ठीक है, आइदर इट्स अ मेल और इट्स अ
स्मोकर. सो इफ इट्स अ मेल आई शुड गेट अ येस, इफ इट्स अ स्मोकर आई शुड गेट अ येस. फीमेल स्मोकर येस, मेल नॉन स्मोकर येस. इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे मेल है बट स्मोकर इज नो, स्टिल आई शुड गेट अ ट्रू. ठीक है, अगर फीमेल है एंड येस स्मोकर है तो एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू. तो हम जब और फंक्शन लिखते हैं, क्या है हमारा लॉजिकल टेस्ट इज दैट दिस शुड बी इक्वल टू मेल एंड एंड नहीं और दिस शुड बी इक्वल टू येस. सो बेसिकली और फंक्शन क्या है ना, इट्स सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन एंड. और के अंदर हम लॉजिकल टेस्ट देते हैं बहुत सारे, बट इसमें से कैसे डिफरेंट है समझना. इसमें से अगर कोई भी एक आउटपुट ट्रू है तो आंसर आपको ट्रू मिलता है. एंड में क्या है, एंड में सारी चीजें ट्रू होनी चाहिए तो आपको ट्रू मिलेगा, है ना. यहाँ पे कोई भी एक टेस्ट अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू मिलेगा. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. ठीक है, सो यहाँ पे देखो ट्रू आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है. सो वी विल जस्ट ड्रैग दिस डाउन. फॉल्स कहाँ आएगा, जहां दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगे. तो जब सारे कंडीशंस फॉल्स होंगे तो आउटपुट फॉल्स आएगा. सो इफ एनी कंडीशन इज ट्रू यू गेट अ ट्रू, एंड में ऑल द कंडीशंस हैज टू बी ट्रू टू गेट द आंसर एज ट्रू. बोलो हुआ. सबके कैमरा ऑफ है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज. ठीक है, अब इसी को वी कैन अगेन पुट इट इन द इफ फंक्शन. सो यहाँ पे अगेन वी कैन राइट अ इफ. सो दिस इज द लॉजिकल टेस्ट जिसका आंसर या तो ट्रू या फॉल्स आता है. एंड देन इफ द वैल्यू इज ट्रू वील राइट येस, इफ द वैल्यू इज फॉल्स वील राइट अ नो एंड ड्रैग. ओके, ऑल राइट. ठीक है, नेक्स्ट देखो. एनी डाउट इसमें पूछ लो. ओके, सो नेक्स्ट इज थोड़ा हल्का कंफ्यूजिंग है. सो बेसिकली माय क्वेश्चन इज नॉट स्मोकर क्वेश्चन मार्क. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज मेरा क्वेश्चन है नॉट स्मोकर. तो यहाँ पे अगर हमें फॉल्स मिलता है तो मतलब वो स्मोकर है, मतलब उल्टा. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू शो यू ऑल इज नॉट फंक्शन दिखाना है, नॉट फंक्शन मुझे सिखाना है आप लोगों को. ठीक है, तो नॉट फंक्शन में क्या होता है ना, देखो एक बार देख लो.
चेंजेस फॉल्स टू ट्रू एंड ट्रू टू फॉल्स. नॉट के अंदर अगर हम कोई लॉजिकल टेस्ट डालते हैं, कोई भी एक ही लॉजिकल टेस्ट डालते हैं, जैसे एंड में और में वी गिव मल्टीपल टेस्ट, यहाँ पे वी कैन जस्ट गिव वन टेस्ट. सो एनी लॉजिकल टेस्ट दैट यू पुट इन यहाँ पे दैट विल आइदर गिव यू एन आंसर एज ट्रू और फॉल्स. अब यहाँ क्या है ना, अगर अंदर में ट्रू है तो बाहर आपको फॉल्स मिलेगा. नॉट ट्रू इज फॉल्स, नॉट फॉल्स इज ट्रू. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं इसको इक्वल टू यस कर दू, लेट्स सपोज तो इसका आउटपुट मेरे को फॉल्स मिल रहा है. ऐसा क्या मतलब है, देखना. दिस इज ट्रू, ये येस है ना, स्मोकर स्टेटस येस है, तो दिस इज ट्रू. तो अगर आपका अंदर लॉजिकल टेस्ट जो है, इफ दैट्स ट्रू, नॉट ट्रू विल गिव यू एज फॉल्स. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग अ फॉल्स. एंड इफ यू ड्रैग इट डाउन, सारे देखो अगेन, यहाँ पे देखो ये वाला आपका लॉजिकल टेस्ट क्या है, फॉल्स है. ये आपका लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है. सो नॉट फॉल्स विल गिव यू ट्रू. सो नॉट फंक्शन हम कब यूज करते हैं, ये जो सारे चीजें आप लोग को लग रहे हैं ये CMN में बहुत यूज होगा. हम लोग क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रेजल करेंगे, आगे हम लोग CT5 वाले टॉपिक्स करेंगे, तो वहां पे हम देखते हैं कि मंथ्स बहुत बार देखना, मंथ्स की मंथ जुलाई है कि नहीं, जुलाई में एक पेमेंट हो रहा है, इन थ्रू आउट द ईयर ओनली जुलाई में एक पेमेंट हो रहा है, तो पहले चेक करते हैं कि मंथ जुलाई है कि नहीं. अगर जुलाई है तो ही पेमेंट होगा. सो वी कैन यूज अ इफ फंक्शन, हम लोग वहां पे मंथ फंक्शन यूज करेंगे. ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हमें CMN में बहुत काम आते हैं, नॉट एंड, और आगे जाके हम लोग और भी दो तीन फंक्शंस करेंगे, इंटीजर फंक्शन एंड ऑल दोस, CMN में बहुत एक्सटेंसिवली काम आते हैं. एंड आप लोगों को एक्चुअली सोच के फंक्शन खुद से बनाना होता है उस समय. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आए कि हम क्यों नॉट यूज करते हैं. नॉट ट्रू विल गिव यू फॉल्स, नॉट यूजली उतना यूज नहीं होता, बट बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं. ठीक है, एक और ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू, इसको हम बोलते, जिसे हम, जैसे यहाँ पे मैंने सारे ऑपरेटर्स दिए थे ना, तो एक नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर ऐसा होता है, मतलब लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन साथ में. सो दिस इज योर नॉट इक्वल टू, दिस इज योर नॉट इक्वल टू का साइन है बेसिकली. तो नॉट इक्वल टू में लेट्स सपोज मेरा क्वेश्चन है, लेट्स सपोज मेरा क्वेश्चन है कि इफ सेम थिंग, लेट्स सपोज स्मोकर स्टेटस मुझे जानना है, स्मोकर स्टेटस मुझे जानना है, तो मैं क्या लिखूंगी, दैट इफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू यस, अगर नॉट इक्वल टू यस है मतलब क्या, मतलब स्मोकर नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट अ स्मोकर, a smoker. So basically what I'm trying to show you all the logical test over here, this basically means ye not equal to hai. So is this value not equal to yes? If it is not equal to yes matlab wo no hai, aur no hai matlab wo smoker nahi hai, to not a smoker. Theek hai, so this is a sign, this is a operator that we give for not equal to. Equal to के लिए normal equal to sign use करते हैं, तो कभी कभी हमें not equal to भी use करना होता है, कि if it's not equal to a specific number, मतलब let's suppose payments हो रहे हैं throughout the year except in July, July को छोड़ के every month में payment है, तो हम क्या करेंगे, if not equal to July तो payment होगा, and if it is equal to July तो payment नहीं होगा, तो तब हम not equal to use करेंगे. Understood? अगर payment July में नहीं है तो हम लिखेंगे इफ नॉट इक्वल टू जुलाई तो पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्योंकि ऑब्वियसली इट्स बेटर देन राइटिंग दैट इफ द मंथ इज जनवरी फेब्रुअरी डॉट 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 जून फिर सीधा अगस्त एंड देन पेमेंट होगा, तो इट्स बेटर हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू जुलाई, पेमेंट होगा नहीं तो नहीं होगा. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? थोड़ा
ऐसे डिफिकल्टी हो रहा है समझने में, तो थोड़ा स्लो जाओ एंड घर जाके वापस पूरा देखना, तो और क्लैरिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, डन है यहाँ तक? डन, एक बार यस लिख दो जिसका डन हो गया। दो क्वेश्चंस मैं अभी क्लास में करने दूंगी आप लोगों को, आप लोगों को वो करना है। ठीक है, इट विल टेक यू 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी नहीं, 5 मिनट्स। यस, कौन है, कौन है? ओके, ठीक है, तो एक काम करो, न्यू शीट बना लो। इसमें ना मंथ्स लिखते हैं, पहला 3 लेटर लिखना खाली, एंड देन जस्ट सिलेक्ट इट एंड ड्रैग। तो ये अपने आप देखो, अपने आप दिसंबर तक आ जाएगा ऐसे। आया, जस्ट राइट पहला 2 या 3, जनवरी फरवरी मार्च, पहला 3 3 लेटर एंड जस्ट सिलेक्ट एंड ड्रैग। ठीक है, मंथ्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, यू कैन ऑल्सो डू दैट कंट्रोल डी वाला चीज जो हम लोग ने सीखा था। तो दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है दैट द पेमेंट्स आर हैपनिंग, पेमेंट्स नहीं, ₹100 हम पे करेंगे इन मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, ₹100 हम पे करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो जहां सितंबर होगा वहां मुझे 100 चाहिए, एंड बाकी सारे मंथ्स में आई नीड अ ब्लैंक। ब्लैंक मतलब नथिंग, जस्ट अ ब्लैंक। ठीक है, रेस्ट विल बी ब्लैंक। तो ये आपका क्वेश्चन 1 है। सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है, सो 100 पेड इन ऑल मंथ्स एक्सेप्ट इन सेप्टेम्बर। सो सेप्टेम्बर छोड़ के बाकी सारे मंथ्स में 100 का पेमेंट है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो यहाँ पे करना आंसर 1, एंड यहाँ करना आंसर 2। एक और क्वेश्चन ले लो यहाँ पे, रैंडमली कुछ भी, मैं मार्क्स लिख रही हूं एक बार। ठीक है, ऐसे मैंने रैंडमली मार्क्स लिखा है। तो आपका क्वेश्चन इज दैट इफ लेट्स सपोज मार्क्स है आपका 0 से 40 के बीच, तो उसका ग्रेड है ए। अगर मार्क्स है 40 से 60 के बीच, तो ग्रेड डबल ए है, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 60 एंड 100, तो आपका ग्रेड ट्रिपल ट्रिपल ए है। ठीक है, तो यहां मुझे क्या चाहिए, ग्रेड। यहां मुझे ग्रेड चाहिए
व्हाट आई वांट इज, सुन लो फिर आप लोग कॉपी करते रहना. इफ द मार्क्स इज बिटवीन 60 to 100, तो यहाँ पे मुझे ग्रेड चाहिए ट्रिपल ए. अगर ये जैसे यहाँ पे ट्रिपल ए आएगा, यहाँ पे डबल ए आएगा, यहाँ पे ट्रिपल ए आएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है? ये तीन चीज करूँ, ट्राई करूँ.
सबका हो गया क्या? लेट्स क्विकली डिस्कस। हाँ ठीक है, करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये वाला बहुत इजी होगा। ये क्या है? वील पे 100 इन सितंबर, रेस्ट विल बी ब्लैंक। ठीक है, तो सितंबर में हम क्या करेंगे? इफ टेस्ट क्या दे रहे हो? इफ दिस इज इक्वल टू सितंबर, अगेन इफ दिस इज इक्वल टू सितंबर देन 100 होगा, अदरवाइज ब्लैंक। अब ब्लैंक कैसे छोड़ेंगे? करेक्ट, वी कैन, यू कैन जस्ट आइदर, ये देखो, कोट्स में जस्ट गिव टू कोट्स टुगेदर एंड बीच में कुछ मत देना, लाइक नो स्पेस नथिंग, तो वो अपने आप ब्लैंक आ जाएगा, जस्ट दो कोट्स जाएंगे। हाँ, तो भी ब्लैंक आएगा, कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी ब्लैंक आएगा। बट यहाँ पे वील जस्ट गिव, बहुत बार फॉल्स भी आ सकते हैं, सो वी कैन जस्ट गिव टू कोट्स विदाउट एनी स्पेस। स्पेस नहीं देना है क्योंकि मैंने ब्लैंक बोला है, स्पेस नहीं। अगर आप स्पेस दोगे सो स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट, तो हम स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, एंड जस्ट ड्रैग, तो जहां जहां देखो पेमेंट नहीं है वहां वहां ब्लैंक है। ठीक है, एंड बाकी सेप्टेम्बर में वी गेटिंग 100, विच इज करेक्ट। ठीक है, तुषार योर्स इज करेक्ट, जस्ट दैट यू हैव गिवन अ स्पेस, एंड 100 में कोट्स में लिखा है, 100 कोट्स में नहीं लिखना। ठीक है, बिकॉज इट्स अ नंबर, तो हमें एक एज अ नंबर ही चाहिए, आउटपुट पेमेंट है। नाउ पे 100 ऑल मंथ्स एक्सेप्ट इन सेप्टेम्बर, तो नॉट इक्वल टू कर लेंगे यूज, राइट, जो हमने किया भी। इफ दिस, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू सेप्टेम्बर देन 100 होगा, अदरवाइज ब्लैंक। ठीक है, सो वील गेट अ 100 एवरीवेयर, जस्ट नॉट इन सेप्टेम्बर। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट जो मुझे करवाना है, विच इज नेस्टेड इफ फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट में, तुम लोग बंद कर दिया इसी, हम लोग इफ में क्या लिखेंगे? दैट इफ द मार्क्स, सबसे पहले स्टार्ट करो, लेट्स मेक इट, अगर वो ग्रेटर देन 60 है, तो अगर ग्रेटर देन 60 है तो क्या आएगा? और लेट्स सपोज स्टार्ट उल्टा, दैट इफ दिस इज, गलत आ रहे मैंने, उल्टा एज इन क्या उल्टा करो? हाँ, उल्टा एज इन जीरो से स्टार्ट करियो। अगर हम बोलते हैं लेट्स सपोज दिस इज लेस देन, नहीं ग्रेटर देन, एक बार देख लो प्लीज, आप लोग इसको मल्टीपल वेज में कर सकते हो। ठीक है, मैं ले रही हूँ इट इज ग्रेटर देन 40, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 40, क्योंकि 41 होने से हमें डबल ए चाहिए, तो मैं ले रही हूँ ग्रेटर देन 40 है अगर, तो वो दोबारा इफ चेक करेगा, क्योंकि देखो अगर ग्रेटर देन 40 है तो मतलब 41 है, 42 है, 43 है ना? तो इफ वापस से ये नंबर सिलेक्ट करेंगे, इफ दिस इज अगेन लेट्स सपोज ग्रेटर देन 60, मतलब क्या हो गया? 61 है, 62 है, 63 है, सो ऑन। ठीक है, तो अगर 61, 62, 63 जो भी है तो हम लोग दे देंगे आउटपुट एज ट्रिपल ए। ठीक है, तो हम लोग आउटपुट दे देंगे एज ट्रिपल ए। अदरवाइज अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये ट्रू नहीं है मतलब वो किसके किसके बीच में है? 40 से तो ग्रेटर है ही बट 60 से छोटा है, तो आउटपुट क्या होगा? डबल ए। ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट, कॉमा, यहाँ पे सिंगल ए। वापस से समझो, अगर ग्रेटर देन 40 है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, आप लोग मल्टीपल वे से कर सकते हो, आई शो यू अनदर वे ऑल्सो। अगर ये ग्रेटर देन 40 है, अगर ये ग्रेटर देन 40 है तो वापस एक चेक करना पड़ेगा कि 60 से नीचे कि 60 के ऊपर, तो वापस एक चेक डाल रहे हैं कि ग्रेटर देन 60 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 60 है तो ट्रिपल ही होगा, इतना सारा नहीं, इतना नहीं,
अगर ग्रेटर देन 60 होगा तो ट्रिपल ए, ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 40 है बट इट्स नॉट ग्रेटर देन 60, तो मतलब 40 से 60 के बीच में, सो वील गिव अ डबल ए एंड लास्टली सिंगल ए. ठीक है, लेट्स जस्ट स्क्रोल एंड चेक. आंसर सही है क्या? एक हम लोग ना जो हमारा क्रॉस ओवर पॉइंट होता है, प्लीज एसी ऑन करो, एक क्रॉस ओवर पॉइंट जो होता है वो चेक करते हैं. जैसे सपोज हम लोग यहाँ डालते हैं 60, अगर 60 डालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? डबल ए आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 60 लेस देन इक्वल टू में मैंने डबल ए किया है, तो लेट्स पुट इन 60 एंड चेक, डबल ए आ रहे हैं, डबल ए आ रहे हैं, सो विच इज फाइन. एक और क्रॉस ओवर पॉइंट डालो 40, सिंगल ए है, फाइन. ठीक है, 61 डालो, 61 में ट्रिपल ए, फाइन. यू कैन हैव मल्टीपल इफ फंक्शंस. देखो ग्रुप में चैट बॉक्स में लिखा है काफी लोगों ने, इफ इट इज लेस देन देन ग्रेड ए, करेक्ट है. सी इफ यू आर गेटिंग द आंसर जस्ट दैट जेवी 100 तुमने कोट्स में लिखा है, तो कोट्स में 100 नहीं लिखना. श्रितु ने लिखा है लेस देन 16, अगर लेस देन 60 है तो चेक करेंगे. हाँ सही है, सही है. लेस देन 100 वाला क्यों दिया है? 100 से तो लेस ही होगा सारा. मुस्कान गलत है तुम्हारा, 60 एंड 40 होगा, तुम्हारा आंसर गलत आएगा. सो ये हमने ग्रेटर देन वाला चेक किया है. वी कैन ऑल्सो डू इट इन दिस वे. एक बार देखो, सब कुछ लोगों ने ऐसे किया है दैट इफ दिस ग्रेड, इफ द मार्क्स इज लेस देन 100 का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारे मार्क्स 100 से कम है. सो इफ इट इज लेस देन, लेट्स सपोज लेस देन इक्वल टू 60 करना होगा फिर तुम्हें. इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 60 तो हम लोग क्या दे देंगे फिर, हम लोग को चेक करने की 40 से लेस है कि नहीं. सो अगेन वील गिव अ इफ दैट इफ दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 40 तो हमारा ग्रेड हो जाएगा ए, या फिर इट विल बी डबल ए एंड ट्रिपल ए. ठीक है, तो उल्टा, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर. आप लोग का आंसर करेक्ट आना चाहिए चाहे आप कैसे भी करो. अगर आप यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स में इफ फंक्शन डाल रहे हो, बहुत लोगों ने अगर वैसे किया है कि वैल्यू इफ फॉल्स में आपने इफ फंक्शन डाला है, आप वो भी कर सकते हो. ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड. जस्ट दैट इट शुड मेक सम सेंस. ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया हो अभी तक ये वाला? एवरीवन क्लियर? नेस्टेड इफ कैसे यूज होता है? क्लियर, क्लियर, अंडरस्टूड. हमने अभी भी दो ही इफ किया. अगर मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट डालती तो हमें तीन इफ यूज करना पड़ता. ठीक है, आई जस्ट मेड इट इजी. आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो, मेक अ न्यू ब्रैकेट, मे बी 60 से 80 का एक ब्रैकेट बना सकते हो, एंड देन यू कैन ट्राई. ठीक है, एनी वन हु इज नॉट गेटिंग द आंसर या फिर क्लियर नहीं है पीछे, तुम लोग का आया? जस्ट डबल क्लिक करने से नहीं हो रहा, देखो एक बार उसका. बाकी आंसर नहीं आ रहा क्या? आई विल चेक. बाकी सबका आ रहा है ऑनलाइन? यस लिख दो एक बार. इफ यू आर गेटिंग द आंसर जस्ट राइट अ यस. ग्रेट. एनीवन जिसको कोई डाउट हो कहीं पे. अच्छा, आंसर वन कोट्स में लिखना है. क्लियर है सबको? एनी डाउट? इशिका डू यू हैव अ डाउट? ओके, सो लेट्स कीप इट टिल हियर. नेक्स्ट क्लास कैसे करना है मैं बताऊंगी. मोस्टली यू विल हैव अ थ्योरी क्लास. आप लोगों को वीडियोस देखने पड़ेंगे शायद दो एक्सेल क्लासेस के, वो मैं बता दूंगी ग्रुप में. एंड मोस्ट प्रोबली आप लोग का एक्सेल क्लास होगा, सॉरी थ्योरी क्लास होगा. ठीक है, नेक्स्ट वीक. ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय.